नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, A99 न्यूज़ में आपका सर्वोत्तम करता हूं। आज हम आपका हमारे रूबरू प्रोग्राम में हम आपको ऐसी ख्वातीन से मिलाने जा रहे हैं जो साउथ जोन वुमन टीएस में अपनी काफ़ी मकबूलियत रखती है, जिन्हें यहां पर के लोगों ने लेडी सिंगम या किरण बेदी के खिताब से भी नवाजा है, जो अपनी कारकर्दगी से यहाँ पर काफ़ी मकबूलियत रखती है। आइए एक मुलाकात श्रीमती लक्ष्मी महादेवी मैडम के साथ। मैडम गुड मॉर्निंग, और आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जो आपके प्रोसेस रहता है लेडीज़ के लिए, आपका कारकर्दगी जो रहती है, जो आवाम में आपकी भी काफ़ी मकबूलियत है, कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को समझाती हैं कि अपनी घर जिंदगी के लिए एक जैसे रहे के, अच्छे से रहे के अपनी ज़िंदगी गुजर करो। ज़्यादातर आप कंप्लेन को पूरा आगे तक नहीं जाने से पहले यहाँ पर ही मामले को ख़त्म करने की कोशिश करती है, ये हमारे मालूम हुआ है। इसमें आपकी कारकर्दगी किस तरह की रहती है काउंसलिंग में? पहले सब आवाम को अस्सलाम वालेकुम, ये ओल्ड सिटी 17 पुलिस स्टेशन पर जितने भी मियाँ बीवी उनकी मसला रहती है हमारे पास आती, तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस है कि पिटीशन लेके रेड कारपेट बिछी हुई रहती है उन लोगों के लिए तकलीफ में है औरतों को। लेकिन स्टेशन में जब कदम रखती है औरत, ये ठान लेके स्टेशन में कदम रखना है मेरे शौहर को बदला के मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, ये पुलिस स्टेशन हमारे को बुझाना है, हम लोग मिल के रहना है, ऐसे थान लेके एक औरत स्टेशन पे आना अच्छी रहती है। आती आती कि मुझे खुला दिलाओ या तल्लाक दिलाओ, सेटलमेंट कराओ, वो तो ये तो ना कजायत ऑफिस है ना मैं मीडिएटर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, एक जरिया हूँ मियाँ बीवी उनका जितने भी मसला है सॉल्व करने के लिए कोशिश। अल्लाह ताला हर सवाल का एक जवाब भी रखे, ऐसे नहीं है कि सवाल है लेकिन जवाब नहीं है, लेकिन जवाब है सवाल नहीं। तो यहाँ पे लोग ऐसे दिल में रखे स्टेशन में अगर कदम रखे तो गलती है, प्लीज़ आप लोग अपने तरफ से जितना कोशिश करें, शायद आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं। स्टेशन में जितने भी आते हैं पिटीशन एंट्री करते हैं, हम लोग एंट्री करने के बाद एक ऑफिसर को देते हैं, वो ऑफिसर चाहे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI या मैं कोई भी रन दो, मैं यहाँ पे पोर ऑफ सुपरविजन ऑफिसर हूँ, तो इसकी वजह से मैं मैक्सिमम केसेस जितने भी ऑफिसर्स को देती हूँ मैं भी एक नज़र रखती हूँ उसके ऊपर। अगर औरत समझने के लिए कोशिश करती है या उनके शौहर जब पुलिस वाले या अब पुलिस वाले भी नहीं, हम लोग एक काउंसलर्स की तरह हम लोगों को समझाने के लिए कोशिश, अगर हमारे बात कोई सुनने के लिए रेडी है तो बहुत हद तक जाते हैं हम लोग, हद भी पार करके उन लोगों को मिलाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को जब मियाँ बीवी उनको मिलाने के लिए कोशिश करते हैं तब बच्चों की नज़र आती है, बच्चों के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए, उनके सिक्योरिटी आगे वो आगे जाके उनके परवरिश के लिए हर चीज़ के लिए हम लोग नज़र में रख के मियाँ बीवी उनको मिलाने के लिए कोशिश करें। लेकिन औरतें स्टेशन में आती आती कि मीडिएटर्स को लेकर आ, जब मीडिएटर्स ज़िंदगी भर के लिए साथ नहीं रहते, पुलिस वाले अच्छे बातें बताते हैं, एक जरिया बनाते हैं कि आप दोनों मिलके रहिए, अगर ये बात वो मीडिएटर्स जो आते हैं उनके साथ अगर वो मीडिएटर्स ही बता दिए, इतनी दूर भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नौबत भी नहीं आती। लेकिन जो कोई भी आ रहे हैं यहाँ पे मीडिएटर्स थर्ड पार्टी को लेके आ रहे, थर्ड पार्टी जब एंटर होती है हम लोग सोचते पुलिस में हम भी थर्ड पार्टी है, इसलिए मियाँ बीवी उनको जो इतना समझा के उन दोनों को टाइम वक्त देते हैं स्टेशन में कि दोनों मिलके आपस में बात करो, कल के दिन जिंदगी गुजारने वाले आप दोनों। और एक बात मैडम, जो अक्सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोर्ट का भी ये कहना है कि ज़्यादातर काउंसलिंग करके मामलों को पुलिस स्टेशन में ख़त्म करा दें और जितना हो सके लोगों को जोड़ने के लिए काम करें, तोड़ने के लिए ना काम करें, कोर्ट से भी इस चीज़ का ये प्रेशर है, मगर ज़्यादातर थोड़े बहुत ऐसे भी खवातीन ऐसे लोग हैं जो इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो समय दौरी
ये उन लोगों के लिए एक हथियार बन गया है कि आदमी जो बेकसूर भी रहा तो उसको डराने की कोशिश करते हैं। जो आदमी सेंसिटिव रहता है, जो कानून या पुलिस के नाम से डरता है, ऐसे लोगों को वो लेडीज या उन लोगों के पेरेंट्स डराते हैं कि हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी तहकीक आप क्या रहती है कि इस बारे में आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? देखो, हम लोग ये समाज में हैं, समाज बनती है मियाँ बीवी से, मियाँ बीवी सही है, समाज भी सही बनती है। जैसे कि एक घर बनाते ईंट अच्छा है तो ज़्यादा साल रहती है, ईंट अच्छा नहीं है उसके अंदर सीमेंट और रेती सही नहीं है तो अपने आप एक छोटी बारिश में बुनियाद भी तो मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद वही बुनियाद में हम लोग जाते हैं। हम लोग बुनियाद में इसलिए जाते हैं कि दोनों के बीच में आखिर मसला क्या है। अगर वो मसला समझ में आ गया, मसला अगर समझ में आ गया तो मियाँ और बीवी को बिठा के मसले पे ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं। लेकिन माँ बाप, दोनों तरफ की माँ बाप, आई एम नॉट सेइंग एक तरफ की माँ बाप, दोनों तरफ की माँ बाप भड़का रहे हैं। देखो, उनके माँ बाप मिलके रह रहे हैं, जब उनके बच्चों के टाइम आ रही है, वक्त आ रही है तो भड़का दे रहे हैं, उन लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को और एक शादी करती हूँ, चल और औरत को छोड़ो। अब बच्ची की माँ बोलती है, अरे फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ दो, तब कुल्ला ले लो तुम, मैं तुम्हारे को और एक शादी करता हूँ। लेकिन ये जो इगोइस्टिक पहले ज़माने में नहीं थे, अब के ज़माने में बहुत आगे डोमिनेटिंग थिंग्स, लेकिन ये डोमिनेटिंग थिंग्स जो अभी समाज में आ रही है, जो सोसाइटी में आ रही है, अपना जो सोसाइटी बिल्डअप करते हैं हम लोग की बहुत मेहनत से उसको खड़ा करते हैं, अगर ऐसी बुनियाद रहती तो अपने आप टूट जाती। लेकिन ये माँ बाप, दोनों तरफ के माँ बाप, हाँ कोई शक नहीं है, पैदा करें दोनों बच्चों को अपने अपने माँ बाप, लेकिन उसकी खुशहाली ज़िंदगी में दोनों को बिठा के समझाना है। लेकिन समझाने के बावजूद भड़का रहे, ये थर्ड पार्टी आते हैं, तो माँ बाप कभी थर्ड पार्टी नहीं बनते, लेकिन जो सिखाने का टाइम आती है तो माँ बाप अकेले नहीं बैठ के सिखा रहे, उनके पुपेरा, चिचेरा, मुमेरा, कोई भी खलेरा, कोई भी आके बावने लोग आते हैं, उनकी ज़िंदगी बावना और बहन दोनों अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया तो बड़प्पन दिखाने के लिए आके भड़काते हैं, वो गलत चीज़ है। आपको ऐसा इसमें किसकी ज़्यादातर गलती आपको ये महसूस होती है कि यहाँ पर यानी इसके पेरेंट्स की, यानी दोनों तरफ की पेरेंट्स बराबर की हिस्सेदार है, एक शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करते हैं। आजकल एक वो बना लिया मैडम, जैसा कि अगर आदमी है, आदमी अगर ये कहता है कि मैं तेरे को छोड़ कर दूसरी बार निकाह कर लेता हूँ, तो अगर ऐसा करने से तो औरत में भी ये चीज़ आ गई है कि दौड़ पड़े, हाँ मैं भी देखती हूँ, आप छोड़ दो, मैं भी अच्छी ज़िंदगी करती हूँ, मेरे को भी कोई भी मिलता है, आज मेरा भी हाथ कोई भी पकड़ते हैं, तुम्हें से ऐसा नहीं है, वैसे नहीं है, तो ये चीज़ भी आजकल खवातीन में भी आ गई है। ये वेस्टर्नाइज्ड कल्चर जो है हमारे इंडिया में बहुत सारा उसका प्रभाव आई है कि हर इंसान वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के तरफ उसका नज़र लेके जा रहा है। फिर भी अगर कुरान का अगर लिखा गया इस पे तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि हाँ आप चार शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन वजह भी बोले उस पर, बस उनका इल्म नहीं है किसी को भी, बस हमारे कुरान में लिखे हैं चार शादियाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको ये उनको खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है, और बीवी है, बच्चे भी रहते, चार पांच दस भी बच्चे रहते, लेकिन उन लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं, दूसरी शादी करके उनकी ज़िंदगी खराब, वहाँ पर फिर छः सात बच्चे रहते, फिर इधर की ज़िंदगी उधर की ज़िंदगी, दो औरतों का ज़िंदगी खराब हो रही है, फिर अखड़ में आके, घमंड में आके अपने ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। ये कल्चर जो है, अपना कल्चर बहुत अच्छी है, मैं भी इंटरनेशनल में करके आई हूँ, वहाँ पे भी इंडिया को बहुत अच्छा तारीफ करते हैं, भाई आपके पास शादी रहती है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास मिलके रहते हैं, आपके पास सारा कुछ चीज़ है, लेकिन हमारे पास लिविंग रिलेशनशिप है, हमारे पास एक बार हमको नफरत आ गया तो हम लोग एक छत के नीचे नहीं रहते हैं, हम लोग ऐसे रहते हैं, हम लोग आपके में बहुत अच्छा रिलेशन रहती है कि सेंटिमेंटल रहती है कि माँ बेटी
बाप बेटा, मैंने तो ये सास ससुर, ये इस तरफ का जो रिलेशन है कई और नहीं दिखती है, ओनली इंडिया छोड़ के। इंडिया में इतना अच्छा मुकम्मल सबको सेंटिमेंटल रिलेशनशिप जो हम लोग कादर करते हैं, कदर करते हैं, वो कई और नहीं है। अपना रहे हैं सब कुछ हमारा जो इंडिया की तकरीबन लोग, अरे ये अच्छे चीज है भाई इंडिया में जो इन लोग आगे लेके जा रहे हैं, भगवान के ऊपर डर, ये सारा कुछ चीज है। हम लोग हर यहाँ पे तो इंडिया में हम डरे या ना डरे अपने अपने मजहब के भगवान घर जाते हैं, अपना गलती क्या है वहाँ पे मान लेते हैं और अच्छे जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। लेकिन अब्रॉड में डरे तो असल उन लोग के अपने मजहब के घर में जाते ही नहीं। इतना अच्छा मुकाम हमारे इंडिया के है तो इंडिया के नाम रोशन करने वाले सोसाइटी भी एक बार सोचना चाहिए एक काम करने के लिए, हराम काम करने से पहले। और आजकल में 3 तलाक नहीं देना बोल के 1 तलाक दे दे के छोड़ दे रहे, वो भी गलत चीज़ है। 1 तलाक इसीलिए देते हैं कि औरत को सुधारे। जब मैं इंसान को पूछती हूँ आप 1 तलाक क्यों दिए, तो बोलते मुझे नफरत आ गया मैं दे दिया। लेकिन हाँ, 1 तलाक देने का वजह भी पहले आप समझना चाहिए, उसके बाद में 1 तलाक देना चाहिए। एक बार सुधरने के बाद औरत गिड़गिड़ा के आती है कि मैं रहना चाहती हूँ, तो अपनाना पड़ेगा। अगर इद्दत पीरियड खत्म हुए तक लड़की को नहीं अपनाए फिर 3 तलाक या 1 तलाक की वजह क्या है, दोनों भी एक जैसे ही चाहिए। ये आपके अंदर या हो सकता है, जहाँ तक आपका दीनी मालूम से भी काफी अच्छे मालूम है, आप इससे भी मैं मालूम हुआ है कि आप दीनी बातों से और हदीसों वगैरह से भी काफी आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आवाम भी काफी मुतासिर होकर आपसे बहुत खुश होते हैं। इसीलिए यहाँ के काफी लोग आपकी तारीफ में ही रहते हैं। हमारी जहाँ तक इन लोग नमाज पढ़ना फर्ज है बोलते हैं जी, लेकिन जब कुरान पढ़ते उसका तर्जुमा भी ले लो भाई, अरबी में कुरान पढ़ रहे या उर्दू में कुरान पढ़ रहे, बस कुरान पढ़ के चले जा रहे हैं, लेकिन उसका तर्जुमा क्या है, उसके नसीहत क्या है, वो भी सीख लो। वो सीखने के बाद आपको समझ में आती कि क्या अच्छा क्या बुरा। यहाँ पे इन लोग ना कुरान पढ़ते हैं जी, रमजान के टाइम पे तरावी होती है, फटाफट पढ़ते जाते, लेकिन उसका तर्जुमा कब पढ़ते आप, कब जानकारी रहती, कब इल्म आती आप लोगों को। यहाँ पे मैं तर्जुमा की कुरान पढ़ी हूँ तो उसमें जो हदीसों का वाक्यात और हदीसों का जो सिलसिला है ये जान ली थोड़े हजरत से, थोड़े मेरा एक मेरे ड्राइवर से थोड़ा हासिल करी, मेरे फ्रेंड्स से हासिल करी, थोड़ा हजरत से हासिल करी। मैं जितना भी मैं इल्म ले लेती हूँ मैं खामोशी अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं आवाम जितने भी आते हैं मियाँ बीवी उनको उनके वालिद वालदा इनको सबको समझाती हूँ। लेकिन जब उन लोग मेरे बातों को समझे, उनको आजमा के देखे, जब जिंदगी समझ में आती, नफरतों से जिंदगी आगे लेके जाना गलत है। एक ही जिंदगी दिया अल्लाह, तो वो जिंदगी को बखूबी निभाई है। मर्जी से, घमंडी से, ये शिकायत रुस्वे, ये शिकायतों से, लड़ झगड़ से, गाली गलौज से आगे गया तो कल के दिन ऊपर जाके जवाब देना जब समझ में आती है, तब तक जो गलती करते हैं जब एहसास नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये मामले घर के मामले घर के अंदर खत्म हो जाए, अच्छे से अपनी ज़िंदगी करें, लोग फिर भी यहाँ तक आ जाते हैं। ऐसे ख़वातीन के लिए जो आप अपना मैसेज देंगे अगर, तो क्या देंगे कि इनके लिए किस तरह की काउंसलिंग आप करेंगे और कैसा इनको मैसेज देंगे कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारें, हस्बैंड के साथ किस तरीके से। एक ये भी है मैडम, जब आप इतना आप कुरान की बात करते, एक बात मैं भी ये बताता हूँ, छोटी सी मिसाल देते हैं। हमारे पास हदीस में अल्लाह के रसूल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर शौहर के जिस्म पे कहीं ऐसा गलीज यानी कोई कैंसर वाला थोड़ा कुछ हो जाए ना, तो अगर वाइफ उसको चाट ले तो भी तू उसके बराबर नहीं, उसका हक अदा नहीं करी। ये हदीस है, आप इसके बारे में भी आप तहकीक कर सकते हो, मैं आपको एकदम बात जो जेन्युइन हदीस बता रहा हूँ, तो भी कम है। तो ये चीज़ को औरत क्यों नहीं फॉलो कर दी, उसको ये चीज़ मालूम है अगर हदीस के बारे में, इसके बारे में जिस तरह से शौहर का भी वही हकूक है, वो शौहर को भी अल्लाह ताला हाकिम, यानी आप जैसे हमें आप एक वुमेन्स फेस की जिस तरह सर्कल इंस्पेक्टर है, अल्लाह ताला ने आदमी को भी हाकिम बनाया, यानी हुकूमत वो होम का सर्कल इंस्पेक्टर है, उसकी बात मानना ही मानना है। अगर वो आपको कोई गलत चीज से रोक रहा है तब आप इनकार करें, जिस तरह से आपको पूजा प्रार्थना के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, चर्च को जाने के लिए रोक रहा है, आप वहाँ से उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे और भगवान के बीच आ रहा है, आप वहाँ उसकी बात को इग्नोर करके जा सकते हैं।
बस वो एक जगह है जहाँ पे आप अपने हस्बैंड से फाइट कर सकते हो, उसके बाद कहीं भी आपको ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड से रिटर्न में कोई सवाल या जवाब करें उसके साथ। लेकिन हदीस में भी ये बोला है जुल्म मत दे दो, जुल्म मत ले लो, तो ये भी अपने कुरान में लिखी हुई है कि जुल्म मत दे दो, जुल्म मत ले लो, ये लेकिन हराम काम भी मत करो। जैसा जो पुराने भी जो जिंदगियां गुजरे हैं ये लोगों के बीच में ऐसे मामला उस वक्त नहीं थे, वो जमाने में मैं मेरे अपने एज से के हिसाब से बोला हूं तो 25 इयर्स बिफोर इतना बुरा आलम नहीं था। जब जीएसटी नियम जीएसटी आ गया जबकि बात अलग है, आपकी बात क्या है अवेयरनेस की, कानून की अवेयरनेस ज्यादा आ गया, हक की बात करने के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए। आजकल हर एक इंसान अपने हक के लिए लड़ रहे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाब का हक लड़िए, हराम का हक मत लड़िए। कभी आपको अपने काम में किसी चीज की दुश्वारी पेश आई या कोई पॉलिटिकल दबाव या कोई ऊपर के प्रेशर कोई काम के लिए, आप ऐसे मामलों में क्या करते हैं जब आपको ऊपर तो प्रेशर पड़ता है कोई चीज के लिए, आप इस तरह क्या अपना नजर जाना? बहुत सारा प्रेशर आती है हमारे पास, ये सोचते हैं कि वुमन पुलिस स्टेशन में क्या काम रहती है। एक बार सुबह से आके शाम तक देखे तो समझ में आती कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कम काम रहती है, वुमन पुलिस स्टेशन में तो ज़्यादा रहती है, इतना ज़्यादा कि हमारे पास तो भी स्टाफ भी कम है, फिर भी आगे लेके जा रहे हैं, हमारे साथ भी हमारे स्टाफ जो भी है पूरे मिल के आगे जा रहे हैं हम लोग। 2016 में आई, 2016 में थोड़ा खराब इधर उधर का सिलसिला था, फिर भी अपने आप को और हमारे स्टेशन को बदल के एक रास्ते में जाने के लिए कोशिश करें, फिर अच्छा हो गया। एंड 2017 में भी कदम रखे, पूरा स्टाफ चेंज हो गया, अच्छा ही चल रही है अभी फिलहाल तो, बस एक कमी है स्टाफ की कमी, वो भी हमारे ऑफिसर्स भी पूरा करते बोले। और आवाम से गुजारिश है जितना भी मियाँ बीवी की लड़ाई जो रहती है चार दीवारों के बीच रहना चाहिए, एक बार चार दीवारों के बीच से अंदर से बाहर निकलती है तो जिसके पास जाती है उसके हवाले कर दीजिए, अच्छा बुरा उन लोग देखते हैं। अगर बड़े लोग पहले बड़े लोगों के पास जाना, अगर तल्लाक कोई शौहर देने के लिए आगे आ गया तो काजी का काम है ये, मियाँ और बीवी को जैसे निकाह के टाइम पे क्या तुम्हारे को कुबूल है बोल के जैसे पूछे हैं उन्हें, तो तल्लाक के टाइम पे भी पूछने का हक है काजी को। फिर काजी साहब भी दोनों को जब शौहर आते हैं तल्लाक देने के लिए तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी जाके उनको फ़ोन पे बुला लेके बेटा के जो भी प्रॉब्लम है मसला क्या है आखिर सॉल्व हो सकती, तो वो तल्लाक को ऐसे रोके और दोनों के बीच में काउंसलिंग उन्हों भी कर सकते हैं। उनको पहला हक माँ बाप को है, बड़ों को है, दूसरा तीसरा काजी को है, चौथा हमारे को है। ये नहीं कि हम लोग आ गया तो हम लोग ही हैं ऊपर ठहर के हम लोग ही कर देते हैं, पहले माँ बाप को ये तसली, इसीलिए बोलती हूँ उन लोगों को पैदा करें, उन लोगों को पहला हक रख दिए। और 7 साल 8 साल तक इंतजार मत करिए, जो भी मसला मियाँ बीवी के बीच में चल रही है जो काउंसलिंग या दोनों के बीच में अच्छा बुरा इनका बात करने के लिए, 7 साल 8 साल ऐसे नहीं, 6 महीनों में अगर आपको कुछ भी एक रास्ता नहीं दिखा तो हम लोग हैं पुलिस स्टेशन। मैडम जो अभी तक यहाँ पर जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं जो अक्सर बाहर शादी करते हैं जिसपे साउथ जोन DCP सर का जो हमारे साहब है उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है इस मामले में, इन्होंने काफ़ी ऐसे केस के उसको सॉल्व किया, जो फाजियों को गिरफ्तार किया, बाहर के शेखों को गिरफ्तार किया, तो हमने देखा ये चीज़ को, ये केसों में कहाँ तक कमी आई और कहाँ तक ये केस अभी रुके हैं आपको इस मामले में? नहीं, ये केसेस तो जारी है, हमारे DCP साहब बहुत बड़ा मुकाम पे है, हमें एक रट लेके बैठे औरतों को कुछ भी तकलीफ नहीं आना, जो कोई भी तकलीफ देते हैं सज़ा बराबर कानूनी के तौर पर सख्त कार्रवाई करवा के उन लोगों की सज़ा जो कानूनी के तौर से दिलाना है पक्का दिला के रहेंगे। तो ये वुमन PS में जो मैं करती हूँ बस हमारे DCP साहब के आसरा से बहुत सारे काम हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे, और वो साहब इतना साथ देते हैं DCP साहब सत्यनारायण साहब कि औरत का तकलीफ पहले दूर करना है, उनके पहले सिक्योरिटी सेफ्टी देना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके उन लोगों को बहुत सारा आगे बोलते हैं, अम्मा
आप लोगों को हम लोग हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन में भाई हैं, आपके बहना है, शायद आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन सच्चे दिल से सच्चे तकलीफ से आ गया तो पूरे स्टेशन खड़ा हो जाती एक औरत के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर थोड़ा सेटलमेंट उनके लिए या कोई, वो तो जेल जेल के एक डिसीजन पे आ जाते उन लोग कि नहीं हमारे घर में इतने सारे काउंसिल्स हो गए ना, अब नहीं कर सकते बॉस, अभी अभी नहीं, अभी बहुत थक गए हैं हम लोग कि दो साल से ये चल रही है, कभी मार रहे हैं मेरा शौहर, तो मेरे माँ बाप आके माफ़ी मांग के वो बात कर दिए, क्यों हाथ उठाना क्यों? पहली बात, माँ बाप तुम्हारे माँ बाप, उनके माँ बाप एक ही है, जैसे उनके माँ बाप पैदा करें आपके माँ बाप भी पैदा करें, तो गलती कहाँ पे आ गया? जो परवरिश होती है वहाँ पे गलती हो गई। परवरिश अगर सही नसीब में दिए, औरत और मर्द में जो फ़र्क नहीं दिखाते वो परवरिश अगर आप करते हो तो ये दिन हम लोगों को देखना नहीं आती है। औरत है तो कमज़ोर है, मर्द है तो आगे है। औरत है तो अरे आज मेरा हेल्थ खराब है, माँ बोलती है तो घर में आज बर्तन मांजो, थोड़ा कपड़े मारो, और बेटा कुछ काम का नहीं है, अरे मेरा तबीयत सही नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, तू जा, तू पढ़ना है तो पढ़ना, लेकिन हालांकि देखा वहाँ पे तो पढ़ता नहीं है। बोल दो ये जो डिफरेंस है नहीं दिखाना है, दिखाए तो ही ये सारा कुछ मसला शुरू हो जाती है। जब सास अपने बहू को बेटी मानती है तो बेटी भी बेटी जैसी बहू भी सास को मेरी माँ मानना चाहिए, तब ये सारा प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाती है। अच्छा मेरा जो आपके पास जो केसेस आते हैं आजकल, तो ज़्यादातर न्यू जनरेशन जो है एक लव मैरिज के जो आ जाएंगे, हमारे चैनल के जरिए से अगर आप कपल्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो इस तरह की क्या आप अपने मैसेज को देंगे, क्या उनके लिए कोई मैसेज अच्छी देंगे? खासकर इनको ये बोलना है, आज सुबह से जो कोई भी लड़ाई झगड़ा चलती है, शाम में खाना खाने के टाइम पे, रात पे जो ईशा के बाद खाना खाते हैं कोई भी, आराम से बैठना, दोनों एक थाली में खा लीजिए, अपने जितने भी नफरतें हैं फ्रेश आउट कर दीजिए और आराम से रहिए, और जितने भी सुबह से गाली गलौज पूरा छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आराम से सो जाइए, सुबह उठ कर फिर से ज़िंदगी